माजी कैसे छोड़ें और आगे बढ़ें। माजी की जर्रिसा प्रोग्रामिंग बेअतमादी की बड़ी वजह है। अगर मैं सवाल करूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में आकर सीखता है इसने डॉक्टर कैसे बनना है, वकील कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, स्टेज पे आके कैसे बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, या इंटरव्यू कैसे देना है, या किसी कस्टमर को कैसे डील करना है, तो आपका जवाब होगा नहीं। और इस दुनिया में आके सीखता है तो ये कानून, ये तरीका कार मेरे लिए आपके लिए एक हुआ, जिसके हमारे ऊपर असरात मरतब होते हैं। अब सीखने के अमल में पहला किरदार अदा करते हैं और हमारे गार्डियन या माँ बाप होते हैं। इसके बाद उस्ताद, सोसाइटी, लोग, पॉलिटिकल के लोग, मजहबी लोग और सबसे अहम मीडिया के लोग। मीडिया में दो मीडिया हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार और जो किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज में जो किताबें पढ़ते हैं और सब प्रिंट मीडिया में आते हैं, और इलेक्ट्रिक मीडिया में टीवी देखते हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और इंटरनेट। अब मुझे बताएं, अगर जो बच्चा किरदार अदा कर रहा है तो इतना कुछ इसके ऊपर आ रहा है तो वो वही बनेगा जो वो सुन रहा है, जो इसके साथ बीत रही है, तो हमारे पास सीखने के कितने तरीके हैं? माजी की प्रोग्रामिंग के तीन तरीके हैं, जबानी, मॉडलिंग, मखसूस वाक़ियात। जबानी, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने क्या सुना? मॉडलिंग, जब आप बड़े हो रहे तो आपने क्या देखा? मखसूस वाक़ियात, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने क्या तजर्बा किए? जबानी बयानात, जबान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है। चाकू छुरी के ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्म अल्फाज के होते हैं वो ज़ख्म कभी नहीं भरते, वो तालुक को तोड़ के रख देते हैं। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो तीन लफ्ज तलाक तलाक तलाक, ताल्लुक टूट गया, जुमला बोले गए एक ने सुने, इसका मतलब है कि जबान बहुत बड़ा हथियार है। हमारी जबान अल्फाज से मिलकर बनती है, यकीन से हमारे अंदर एहसासात पैदा होते हैं, इन एहसासात से एक्शन होता है और एक्शन का नतीजा निकलता है। अल्फाज बोलने में एहतियात करें और इससे यकीन बन जाता है इसमें कितनी खुशियां दे सकते हैं और किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जबानी कलमात, मैं जिंदगी में नाकाम हो रहा हूं लेकिन बेटा तुमने कुछ करके दिखाना है, तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम निकम्मे और नालायक हो, तुम बेवकूफ हो लिहाजा तुम नहीं समझ सकते, तुम हमेशा जहनी दबाव का शिकार रहते हो। मनफी प्रोग्रामिंग तब्दील करने के लिए बुनियादी अनासिर, इसे ताकतवर अल्फाज के साथ बदल दें, इसे दोहराएं और जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जरे रफा बयानात के बुरे असरात को ख़त्म करने की तकनीक, तमाम ज़रे रसा बयानात को तहरीर कर लें जिन्होंने आपको बेएतमाद बनाया है। इन तमाम ज़रे रसा बयानात को इनमें तब्दील कर दें जो आपके कामयाब और एतमाद की तरफ ले जाए। मॉडल करना, क्या वो एतमाद थे या बेएतमाद थे? क्या वो मुस्तकबिल मिजाज थे या गैर मुस्तकिल मिजाज थे? क्या वो ज़िम्मेदार थे या गैर ज़िम्मेदार थे? क्या वो सख्त मेहनती थे या सख्त हड हराम थे? अगर आपकी ज़िंदगी में वो नतायज नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं तो मॉडलिंग के एरिया को गौर कीजिएगा और आपके बड़े आपके साथ क्या करते आ रहे हैं और इनमें कितनी चीज़ें आपने हासिल कर रखी